हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बीती रात भी प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई, जिसके चलते कई जगह लैंडस्लाइड होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश से 115 सड़कें यातायात के लिए ठप हो गई हैं। सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरी लगाई गई है। इसके अलावा 212 बिजली के ट्रांसफार्मर और 17 पेयजल योजनाएं भी बाधित हुई हैं। मानसून को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। आपदा प्रबंधन के सचिव ओमकार शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है। इस बार मौसम विभाग की ओर से मानसून के सामान्य रहने की आशंका जताई जा रही है। ओमकार शर्मा क्या बोले, सुनिए विस्तार से। जून महीने के आखिरी सप्ताह में जो मानसून है पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है और अभी इनिशियल स्टेज है। इस बार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि पूरे भारतवर्ष में मानसून जो सामान्य रहने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश के लिए भी जो फोरकास्ट है वो सामान्य मानसून की है। अभी तक हमारी आज सुबह तक जो है 115 सड़कें जो है वो मानसून के कारण कुछ स्थानों पर बाधित हुई हैं और उसी तरह से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो भी 212 स्थानों पर जो है वो वहाँ पर बिजली की सप्लाई बाधित हुई है और साथ में पूरे प्रदेश में हमारी 10,000 पानी की स्कीमों में से 17 वाटर सप्लाई की स्कीम जैसी हैं जो बाधित हुई हैं। ये जो आंकड़ा है सड़कों का या ट्रांसफार्मर का या वाटर सप्लाई स्कीम्स का हर दिन घटता बढ़ता रहता है। मैं जैसे बताना चाहूँगा कि पिछले कल तक हमारी पानी की कोई भी स्कीम जो बाधित नहीं थी और जो ट्रांसफार्मर आज मैंने 212 बताया पिछले कल 319 थी और सड़कें भी उसी तरह से पिछले कल 63 थी आज 115 जो है बाधित हुई है। लेकिन हमारी मैन मटेरियल और मशीनरी सब जगह डिप्लॉयड है और जैसे जैसे कोई भी जो ये इस तरह की बाधा उत्पन्न होती है हमारे जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने मैन और मटेरियल के साथ उसको रिस्टोर करते हैं। और ये जो 13 जून 2024 को एक बैठक हुई थी उसमें सभी जिलाधीशों को, सारे फील्ड फंक्शनरीज को, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड और जो हमारे HOD हैं सबको ये बता दिया गया है ताकि कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो हमारे डिपार्टमेंट के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसके तहत अपना सभी लोग कार्य करें और सभी लोग कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष 2023 में मानसून में हमने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को झेला है, उसे भी कुछ सबक लेते हुए हम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर लिए हैं और इस बार होप करते हैं कि इस बार सामान्य मानसून रहेगा। अभी तक जान माल की कोई भी सूचना हमारे पास नहीं है। जहाँ तक हमारा जो नुकसान कितना हुआ है यह अभी इनिशियल स्टेज है, मुझे लगता है 1-2 दिन के बाद जो है एस्टिमेशन जो है हमारे आने शुरू हो जाएंगे तो वो भी आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।